छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो है अपडेट निकल कर आ रहा है। अब जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण की बात यदि हम करें तो छत्तीसगढ़ में अब ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है सीधा 32% आरक्षण दिया जाएगा, SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 16% और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है 14% आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। और छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को लेकर जो है सबसे बड़ी खुशखबरी आया, और छत्तीसगढ़ में जो है 72% आरक्षण को लगा है सबसे बड़ा झटका, 50% तक ही होगा आरक्षण। तो आरक्षण को लेकर हर दिन कुछ नई अपडेट जो है आप लोगों को जानने को और देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आरक्षण जो है पहले 50% आरक्षण था जिसे वर्ष 2012 में रमन सरकार भाजपा सरकार ने बढ़ाया था, 58% किया गया था जिसे माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा वर्ष 2019 में 58% से 72% आरक्षण का दायरा बढ़ाया था। लेकिन एक स्टूडेंट ने इसमें याचिका दायर किया था बिलासपुर हाईकोर्ट में, तो बिलासपुर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है कि हम जो है पचास प्रतिशत से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, 50% से ज़्यादा आरक्षण जो है असंवैधानिक है और 58% आरक्षण तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। तो अब से क्या होगा, छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज पर भर्तियां हो गई उन सभी में जो है आपका 58% आरक्षण लागू नहीं होगा और सिर्फ 50% आरक्षण के अनुसार ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि पहले 58% जो आरक्षण था जिससे आपके मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे BA BSc BCOM, आपने चाहे कॉलेज में एडमिशन की बात हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात हो, सभी में आपको आरक्षण का बेनिफिट देखने को मिलता था। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, ये सभी को हटा दिया गया, अब सिर्फ 50% ही आरक्षण जो है देखने को मिलेगा, 50% आरक्षण के अनुसार ही आपका जो है सिलेक्शन होना है। और आरक्षण को लेकर जो है क्या कुछ नोटिफिकेशन में कहा गया है ताकि मैं आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर पाऊँगा। तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाई कोर्ट का ये कहना है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण जो है असंवैधानिक है और आरक्षण की ऐसी व्यवस्था थी। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर जो है सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला दिया है। चीफ जस्टिस AK गोस्वामी व जस्टिस PP साहू के डिवीज़न बेंच ने राज्य में 58% आरक्षण को जो है असंवैधानिक करार दिया। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने कहा है कि हाई कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध वह सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। वर्ष 2012 में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने सरकारी नियुक्तियों के साथ साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था को जो है 50% से बढ़ाते हुए 58% तक कर दिया था। राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए डॉक्टर पंकज साहू, अरुण कुमार पाठक एवं अन्य ने अधिवक्ता मतिन सिद्धू की और विनय पांडे के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था करना जो है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध और असंवैधानिक है। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, सोमवार को जो है इस पर निर्णय सुनाया। वर्ष 2012 में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण में 58% के प्रावधान को रद्द कर दिया। इस महत्वपूर्ण फैसले के साथ ही डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाकर्ताओं को निराकृत कर दिया। तो जो 58% आरक्षण था अब वो 50% तक हो गए हैं। अब जितने भी भर्तियाँ होंगी, नियुक्तियाँ होंगी, उन सभी में 50% आरक्षण होगा। तो भूपेश सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर अब जो है कर दिया 72%। तो भूपेश सरकार ने 15 अगस्त 2019 को आरक्षण के दायरे को 72% पहुंचा दिया था। CM बघेल ने SC वर्ग के आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 13% और OBC वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की थी। इसके बाद राज्य में आरक्षण का दायरा 58% से बढ़कर सीधा 72% तक पहुंच गया था। भूपेश सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई। वहीं वर्ष 2012 में क्या हुआ था, रमन सरकार ने 18 जनवरी 2012 को एक अधिसूचना जारी करते हुए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन करते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया था। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण किया गया था। इससे पहले SC वर्ग को 16% आरक्षण मिलता था जिसे घटाकर 12% तक कर दिया गया था।
तो ये सभी आपका आरक्षण का मामला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में उतने फोकस से ध्यान लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये भी सभी चीज़ें जो है सही हैं। आप लोगों को बस अपना मेहनत और खुद पर भरोसा रखना है। आपको अपना हार्डवर्क पर भरोसा रखना है। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क कर सके उतना ज़्यादा आप जो है हार्डवर्क कीजिए, क्योंकि सफलता और कामयाबी उनको मिलती है जो मेहनत करते हैं। खाली देखिए, सपने देखने से, सपने सजोने से, या किसी को बोल देने से कि मेरा ये सपना है आगे चलकर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम्स को क्रैक करना और टीचर्स बनना है, या CGPSC UPSC एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना, तो सिर्फ कह देने से जो है एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं होता। आप जिस लेवल के सपने देख रहे हैं आपको जो है उसी लेवल की जो है मेहनत करना होगा। अगर आप चपरासी बनना चाहते हैं तो चपरासी के लेवल की तैयारी करना होगा। IAS अधिकारी बनना चाहते हैं तो IAS के लेवल की तैयारी करना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ सपने देखने से, सपने सजोने से कुछ नहीं होता। और सच में एक बात तो एकदम बिल्कुल ही सही है कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपका सपना सही है और आप अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सच में आपको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि रात को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। एकदम सही है। आपको अगर ज़िंदगी के बारे में आप सीरियस हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जो आपके गोल हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको रात को नींद ही नहीं आएगी। सिर्फ आप अपने सपने के बारे में ही सोचते रहेंगे कि मैं अपने सपने को जो है किस तरह से पूरी करूं। और देखिए, समय और बहुत बलवान होता है। समय लगता है आपके वक्त बदलने में, बस सब्र आपको रखना है। सफलता का कोई एक निश्चित सीमा नहीं होता, कोई निश्चित डेट नहीं होता कि आपको जो है इसी टाइम में जो है सफलता मिल जाएगी। और देखिए, मेहनत करना हमारा काम है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका मेहनत जो है ज़रूर रंग लाएगा। और ख़ुद को जो है अप्रिशिएट कीजिए, खुद के काबिलियत पर आपको जो है भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम जो है अवश्य रूप से क्वालिफाई हो पाएगा। आज का आने वाला समय मेरा आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ अगर जो भी वीडियोस मैं आपको बनाता हूँ, बताता हूँ वीडियोस के माध्यम से, सभी जानकारी यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, प्लीज़ अन्य स्टूडेंट तक भी वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो प्लीज़ इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना, और आप सभी के डाउट्स और कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।